संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मामले पर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। बीजेपी विपक्ष को घेरने में लगी है, तो वहीं विपक्ष के सांसदों ने गुरुवार को पुरानी संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान खड़गे ने कहा कि सरकार संसद सुरक्षा चौक पर जवाब दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह संसद में आकर इस मामले पर बयान दें। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि संसद में विपक्ष के सांसदों का निलंबन ठीक नहीं है। हालांकि उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। और इसी बीच लोकसभा और राज्यसभा में गुरुवार को भी हंगामा देखने को मिला है। आज भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। प्रश्नकाल में ही विपक्ष के कुछ सांसद नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है, हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो घटना घटी लोकसभा में, वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। और सदन में, सदन तो ये देश का बहुत बड़ा पंचायत है, अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे।